देखिए, राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टेप नहीं करती है, ये हमारा चरित्र नहीं है। राजस्थान की सरकार को मॉडल स्टेट के रूप में कोरोना संकट में सबसे अच्छा काम करते हुए पूरे देश ने देखा। इस वक्त यदि कोई भी हमारा साथी विधायक परिवार का सदस्य है, यदि ये बात कहता है फोन टेपिंग हो रही है, तो उनको उन विधायकों के वो ये कह रहे हैं, मैंने जो उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप नहीं हो रहा है, बाकी दो तीन एमएलए ने मुझे कहा। उन एमएलए के नाम आपको सामने लाने चाहिए, आपको जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, मिलकर बात बतानी चाहिए। उनके नाम सामने आएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस तरह से नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। मेरा ये मानना है कि कोई फोन टेपिंग नहीं हो रही है, ना हम फोन टेप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी के आरएसएस के बहुत बड़े प्रतिनिधि को लोगों ने, आपने वीडियो में देखा, जो भ्रष्टाचार का एक वीडियो आया जिसमें एक कंपनी से 20 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही है, उसमें आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बीजेपी उसके बाद बैकफुट पर आई है, अब इधर उधर की बात करती है बीजेपी। तो मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में हमारे यहाँ फोन टेपिंग की कोई परंपरा नहीं है, ना फोन टेपिंग होती है, ना कोई लेना देना है। यदि किसी को कोई शिकायत है, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उन लोगों के नाम बताने चाहिए। बिना नाम के ऐसे मैं जवानी जमा खर्च कर दूं, मेरा ये मानना है कि इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए यदि है तो आप नाम बता दें।